नमस्कार, आज हम ले आए हैं एक रेस्टोरेंट स्टाइल का बना सोयाबीन आलू मटर करी, जो पनीर चिकन से भी टेस्टी बनता है और उसमें प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में रहता है। पूरा रेसिपी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरा यह कुकिंग चैनल नया है, तो आप लोगों को अगर कोई नया रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे दिखाने का। और अगर ये रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू किया जाए। हमने यहाँ पहले एक मिक्सिंग पॉट ले लिए हैं। मिक्सिंग पॉट में 5-6 कलिया लहसुन का और एक टुकड़ा अदरक का, 1 इंची टुकड़ा अदरक का, एक रफली चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च लेके एक पेस्ट बना के रख लिए हैं। फिर हमने यहाँ कढ़ाई ले लिए हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दिए हैं, आप चाहे कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। फिर तेल के गर्म होते ही हम उसमें 100 ग्राम हम सोयाबीन बड़ी को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रखे थे, उसे पानी से निकाल कर निचोड़ कर उस कढ़ाई के तेल में डाल दिए हैं। और उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक देकर हम 5 मिनट के लिए उसे मीडियम फ्लेम में स्पैटुला को चला चला कर हम उसे फ्राई करेंगे। फिर अलग से प्लेट में हम उसे निकाल कर रख लेंगे। फिर से हमने उसी कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच का तेल ऐड कर दिए हैं। तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही हम उसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हम मीठा बनाने के लिए नहीं करेंगे। चीनी देखिए कितने अच्छे से कैरमलाइज हो गए और एक स्मोकीनेस आ गया है, जिसके कारण हमारा जो सब्जी है उसका कलर, खुशबू और टेस्ट बहुत बढ़िया होगा। फिर उसमें 1 चम्मच जीरा का छौंक लगा देंगे और 1 चॉप्ड करके रखे हुए मीडियम साइज़ के प्याज डालकर, प्याज के ट्रांसलूसेंट होने पर मीडियम साइज़ के 3 आलू को हम टुकड़ों में काट के रखे हैं उसे डालकर प्याज के साथ अच्छे से मिला देंगे। फिर उसमें 1 चम्मच हल्दी का और स्वाद अनुसार नमक हम डालकर उस आलू को प्याज के साथ अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फिर फ्लेम को लो करके हम उसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट बाद ढक्कन निकाल कर हम देखिए हमारे आलू थोड़े थोड़े लाल होके फ्राई हो गए हैं और अच्छे से सीज भी गए हैं। फिर हम अब एक मीडियम साइज़ के टमाटर और एक बड़े साइज़ के प्याज को, दोनों को टुकड़ों में काट के रखे हैं, उसे डाल देंगे। प्याज को इस स्टेज में टुकड़ों में काट कर डालने से हमारी कड़ी थोड़ा थिक बनती है और जो फ्राई होने के बाद टमाटर और प्याज का करी का जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छा निखर के आता है। फिर हम उसे अच्छे से चलाकर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। जब प्याज थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो हम पहले से मिक्सी के पॉट में बना के रखे हुए जो मसालों का पेस्ट था उसे डाल देंगे। डालकर अच्छे से मीडियम फ्लेम में हम 3-4 मिनट के लिए उसे चला कर हम उसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाला भी फ्राई हो जाएगा और हमारे जो टुकड़ों में प्याज और टमाटर कट के रखे थे वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। फिर हम उसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम उसमें डाल देंगे। और क्योंकि हमने ड्राई पाउडर डाले हैं तो मिक्सी का पॉट धो के 3 से 4 छोटा चम्मच हम उसमें पानी ऐड कर देंगे। फिर अच्छे से सब मसालों को एक साथ हम अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। फिर उसमें पहले से फ्राई करके रखा हुआ जो सोयाबीन बड़ी थे उसे डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मसालों के साथ आलू के साथ मिला देंगे और मीडियम फ्लेम में उसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर उसमें हम 1.5 कप गर्म पानी ऐड कर देंगे। हम हर करी में कोशिश करते हैं गर्म पानी देने का, तब कड़ी का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहता है और कड़ी हमारी टेस्टी बनती है। फिर 1/2 कप फ्रोजन मटर डाल देंगे। अगर फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो सोयाबीन बड़ी के साथ ही आप डाल दीजिएगा। फिर उसे लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन निकाल कर उसमें हम 1 चम्मच शाही गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और पहले से 1 चम्मच कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके उसका 2 हाथों में हम पाउडर बना लिए हैं उसे डाल देंगे और 2 चम्मच चॉप्ड करके रखे हुए धनिया पत्ता डाल के सबको अच्छे से मिला देंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में फिर से हम उसे थोड़ा पका लेंगे।
फिर मेरी जो कढ़ी है वो बनके तैयार है, मेरी सोयाबीन आलू मटर कढ़ी। अब उसे हम एक सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे और ऊपर से चॉप्ड करके रखे हुए धनिया पत्तों से गार्निश करके। रोटी, चावल या पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। मेरे साथ इस रेसिपी में इतने देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।